कैसा रहा ट्रिप? बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया रहा और फील ही एकदम अलग आई। Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. गुड मॉर्निंग घुमक्कड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और यार आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आ गए हैं मेरे गैजेट्स। और जब भी कुछ भी मेरे पास आता है, चाहे मैं कुछ शॉपिंग करूँ, बाइक, कार, छोटा बड़ा, कंप्यूटर, कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और ये आपके साथ भी होता होगा, छोटी छोटी चीज़ों में हमें बहुत खुशियाँ मिलती है, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी मेरा जो भतीजा दीपांशु है वो सो रहा है, उसका जो लगेज है अभी ओपन नहीं हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ जिम, और जिम से आने के बाद जब तक वो उठ भी जाएगा और उसका लगेज ओपन हो जाएगा, तो जब आपको दिखाऊंगा क्या गैजेट्स हैं, फिलहाल मैं थोड़ा वर्कआउट करके आ जाता हूँ। क्योंकि यार जो वर्कआउट भी कर रहा हूं ना, काफी मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 22 डेज मेरे को रेगुलर वर्कआउट करते हुए हो गए हैं। तो चलो अब जल्दी जाता हूं, वर्कआउट करके आता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो मंगाया है। मंगाया काफी कुछ था, लेकिन काफी चीज ऐसी थी जो मान उसको नहीं मिली, लेकिन जो जो मिला वो दिखाऊंगा। और उससे आने वाली वीडियोस इतना अच्छे होने वाली, और जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वो आप और अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे और फील कर पाएंगे कि आप मेरे साथ हैं। तो चलिए अब जल्दी देर ना करते हुए मैं वर्कआउट करके आया और फिर आपको अपने गैजेट्स दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। और दीपांशु आ गया है शॉपिंग करके, क्या क्या लाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर पहले इससे पूछ तो लें इसे मजे आए या नहीं। बॉस की मजे तो पूरे ही आएंगे, मजे नहीं आएंगे दुबई जाके, मजे दुबई जाके किसको मजे नहीं आएगा। दुबई और कैसा रहा ट्रिप? बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया रहा और फील ही एकदम अलग आई। और क्या क्या रहा कोरोना के चक्कर में, कुछ चेंजेस या कुछ? कोरोना के चक्कर में मेन तो यही है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, कुछ पता ही नहीं है। जैसे उधर जाके टेस्ट तो हो जाता है, वो भेज देते हैं, कहते हैं कि जब तक आए ना तो बाहर मत जाओ, हो उसके रिजल्ट ही नहीं आते दो दिन तक रिजल्ट नहीं आया मतलब। हाँ तो आया नहीं था, तो इतने तो सब खराब हो जाते, तो हम तो पहले दिन ही उतर गए थे, मतलब पहले दिन बाहर चले गए। हाँ जी, तो कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी ने रोका पूछा कुछ भी? बस यही था, जब तक मास्क लगा रखा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मास्क जरूरी है, मास्क मेन है जरूरी, अगर आपने मास्क लगा सब जगह, जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस गए, टूरिस्ट प्लेस सब जगह मास्क होना चाहिए, बस फोटोज के लिए आप उतार सकते हो। अच्छा, हाँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, कंपलसरी है मास्क। मास्क का कितना है फाइन? मास्क का फाइन था शायद 1000 दिराम था। 1000 दिराम? हाँ शायद, मतलब हो गया ये 20,000 रुपए 20,000 रुपए का फाइन। तो मास्क लगाना ही ठीक है फिर तो, मास्क लगाना। और घूमे कहाँ कहाँ? घूमे सब फर्स्ट डे, जैसे जिस दिन रूम होटल में रहना तो उस दिन गए थे। फर्स्ट डे तो पूरा ही खराब हो गया था, फ्लाइट डिले हो गई थी फॉग की वजह से, तो सुबह 9:30 की फ्लाइट थी, वो उड़ी सुबह शाम को 5 बजे, तो वहां पे 8:30 बजे पहुंचे, 9:30 होटल गए, चेक इन वगैरह करा, फिर कुछ खाने पीने निकले, फिर अगले दिन से था जो था। कहाँ गए अगले दिन? फर्स्ट डे शायद हम गए थे सफारी, गए थे शायद डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी अच्छा है, वहाँ भी ना मजा आता है उसमें। डेजर्ट अगले दिन, फिर एक दिन क्रूज था, एक दिन बुर्ज खलीफा था, ऐसी था सारा, मतलब 5 दिन मस्त घूमे। हाँ 5 दिन मस्त थे, लास्ट के 2 दिन जो खाली थे उसमें शॉपिंग थी और अपने हिसाब से घूमे, इधर उधर गए। तो एक दुबई म्यूजियम देखना था मेरा थोड़ा, तो वो नहीं देख पाया बस मैं। और अबूधाबी? अबूधाबी भी बंद था, लेकिन जब हम लास्ट के दिनों में आए तो खुल गया था, तो लास्ट डे तो एकदम कहा प्लान बना के कैसे जाते, मतलब अब कोई जाएगा तो अब उसे खुला मिलेगा। हाँ जी, अब जा सकता है जो जाना चाहे। के चक्कर में टेस्ट वेस्ट भी हुए वहाँ? हाँ वो तो फर्स्ट डे ही उतरते ही हो गया था। फर्स्ट डे टेस्ट हुआ था उसका कोई चार्ज था? नहीं, एयरपोर्ट पे जो टेस्ट हुआ उसका कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो रिटर्न में टेस्ट होता है वो इंडिया में, अगर आप उतर के इंडिया में कराते हो तो वो 3800 रुपए का है, वो कराने कराना है, अगर वहां से करा के आते हो तो 150 दिराम का है। ये सब मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप कोई जाना चाहते हैं आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप जाएं तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। दीपांशु की बातों से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस आपके थोड़े से चार्ज ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जाते हैं तो इंश्योरेंस करा के जाना है पहला, इंश्योरेंस करा के, और फिर एक जो टेस्ट होगा उसके चार्ज लगेंगे। अगर आप अभी जाते हैं तो कोरोना के चक्कर में आपके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। चलिए अब ये बात तो हो गई, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग हुई है और क्या क्या सामान आया है। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या क्या आया है, क्या क्या मेरी शॉपिंग हुई है। शुरुआत करते हैं, ये तो पैकिंग में ही है। हाँ जी, ये निकला। ये वायरलेस गो रोड का माइक है
और इसकी मेरे को बहुत जरूरत थी क्योंकि काफी बार शूट करते हुए मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि मुझे कैमरे के पास रहना पड़ता, क्योंकि ये 1 से 1.5 फुट के दूरी से ही बस कैप्चर करता है, ज्यादा दूर चले जाओ तो आवाज ठीक नहीं आती। इसको मैं कॉलर पर लगाकर कितनी भी दूर जा सकता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग तो कभी और कर लेंगे क्योंकि ये बंद है। बाकी सामान मैंने बोल दिया था अनबॉक्सिंग के लिए, तो होटल में अनबॉक्सिंग की है बॉस की, होटल में इसने अनबॉक्सिंग की है, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना क्योंकि वीडियो भी उसकी बनाई थी। और ड्रोन लिया है, वो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, जो कि सबसे ज़रूरी मेरे लिए यही था। ये है मैविक मिनी 2 जो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ और आने वाले मेरे को लगता है 1-1.5 साल ये इंडिया में मिलना भी मुश्किल है। और प्राइस काफ़ी अच्छा मिला और ड्रोन मिल गया, सबसे बड़ी बात ये सबसे अच्छा हुआ। अनबॉक्सिंग जो इसका बॉक्स था वो वहीं अनबॉक्सिंग हो गई थी, वो आप देख सकते हो, मैं वीडियो में दिखा दूंगा। बॉक्स के बाद ये बॉक्स अंदर निकलता है, ये एक मैनुअल गाइड है, और उसके बाद है ये इसका रिमोट कंट्रोल जो कि काफ़ी अलग बना दिया है, जो मैविक मिनी एयर का आता है उस तरह का बना दिया है। मैविक मिनी का जो आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, और इसमें जो आप मोबाइल लगा सकते हैं ना भी साइज़ का लगा सकते हैं। बाकी फ़ीचर्स जो हैं वो आप उसके लिए कोई और वीडियो देखिएगा, फ़ीचर काफ़ी हैं वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो काफ़ी फ़ीचर्स आपको पता चल जाएंगे। और ये है ड्रोन, मतलब इतना छोटा सा ड्रोन है, ये मेरे हाथ में देखोगे तो आप आधे हाथ में आ गया, इतना छोटा है। और इसका वेट है 249 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम से ऊपर जो ड्रोन होता है वो उड़ाना अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यही बेनिफिट है, आपको इसके कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई जब आप इसको उड़ाएंगे तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ईजी है कैरी करने में भी, और कहीं आप लेकर जाते हैं ट्रैवलिंग पर किसी एयरपोर्ट पर कुछ तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और साइज़ देखो इसका, और सबसे अच्छा इसमें जो अब कर दिया है 4K शूट कर दिया, जो पहले वाला था उसमें 4K नहीं था। अंदर है वायर और इसके अंदर और है इसके चार्जिंग और चार्जिंग का सॉकेट, क्योंकि जो मैंने ये लिया है ये कॉम्बो लिया है। कॉम्बो में बेनिफिट ये, एक तो इसका बैग मिल गया, कैरी करने में बहुत अच्छा रहता है, और जब भी आप भी लें मेरे हिसाब से कॉम्बो ही लेना, क्योंकि इसकी 3 बैटरी आती है इसमें। और इसका मैं प्राइस बता दूँ, ये है 1950 दिरहम का सिर्फ, ये दुबई से 1950 का है, और यहाँ पर इसको आप मान के चलिए और कम से कम डबल नहीं तो 30% एक्स्ट्रा अगर आप इंडिया में लेते हैं, वो भी 1 साल बाद, अभी तो ये लॉन्च ही नहीं हुआ है। और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब अनबॉक्स कर दिया है, क्योंकि बैग में लाने में भी प्रॉब्लम थी, थोड़ा कस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती थी, और इस वजह से सब कुछ अलग अलग कर दिया गया। जो लाए थे लगेज में रख कर ड्रोन लाए थे, और जो हैंड बैग था उसमें बैटरी, क्योंकि बैटरी लगेज में अलाउड नहीं होती है, तो अलग अलग कर लिया था, और लाना भी थोड़ा इजी हो गया था। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप मिनी लाते हैं। और ये है Insta360 जो कि मैंने मंगाया है 1R, और ये ट्विन है, इसका दूसरा लेंस भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ एक और लेंस है जो कि नॉर्मल लेंस जैसे हमारे एक्शन कैमरे में होता है, ये Insta360 है, ये नॉर्मल लेंस जो अभी लगा हुआ है। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, बाकी अपना तो सारा काम हो गया, मतलब जो जो चाहिए था और अच्छे अच्छे प्राइस में। इसका क्या प्राइस था? इसका था 1800 कुछ ग्राम का, 1800 कुछ ग्राम। और ये है एक इसकी स्टिक, सेल्फी स्टिक जो इसके साथ नहीं आती है, अलग से परचेस करनी होती है। और ये है 90 मीटर वाली, मैंने मंगाई थी 120 मीटर वो नहीं मिली, 90 मीटर की मिली। और इसका क्या प्राइस था? याद नहीं। इसका बेनिफिट ये है, आप जब 360 लगाकर कोई वीडियो बनाते हैं तो ये दिखती नहीं है वीडियो में। तो ये तो सामान हो गया मेरा जो कि मैंने वीडियो के लिए मंगाया स्पेशल, क्योंकि इन सबसे वीडियो और अच्छी होने वाली है और मज़ा आने वाला है आपको वीडियो देखने में, खासकर जब ट्रैवलिंग पे जाऊंगा तो काफ़ी अच्छा आएगा। वॉइस जो होगी मेरी बहुत अच्छी होगी इसकी वजह से, और जो ड्रोन शॉट होंगे तो उससे आप पूरी लोकेशन अच्छे से सब कुछ देख सकेंगे, और Insta360 से आप पूरा व्यू देख सकेंगे। अपने लिए क्या शॉपिंग करी? अपने लिए एक आईफोन लिया मैंने, iPhone 12। हाँ जी, 12 या 12 प्रो? 12 प्रो। 12 प्रो, कितने GB? 128 GB। 128 GB कितने का वो लिया है मैंने? 4000 दिरहम का। 4000 दिरहम, तो 4000 दिरहम आप कर लेना मल्टीप्लाई, लेकिन इंडिया से सस्ता होगा ये गारंटी है। और कुछ भी सामान लिया अपने लिए, घर के लिए? और परफ्यूम वगैरह लिए। परफ्यूम तो बनता है और चॉकलेट, टॉफी, परफ्यूम, चॉकलेट, ये तो जो भी जाता है तो जरूर लेकर आता है। चॉकलेट हो गई, परफ्यूम हो गए, खजूर हो गए, ये सब अधिकतर लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये सब आपको बता दिया है, प्राइस भी बता दिया है। अब मैं ना इसको जब फ्लाई करूंगा, जब इसको उड़ाऊंगा तो उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा, आपको अलग दिखाऊंगा कि क्या मस्त इससे व्यू आता है, क्या लोकेशन होती है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, अगर हल्की सी भी हेल्प आपकी हुई है दुबई जाने की या कुछ प्राइस की, तो
वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू, बाय कर दो, बाय बाय बाय।